तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 सोलो वर्सेस स्क्वाड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, एंड आप कैसे पूरी स्क्वाड को हैंडल कर सकते हैं। तो वही टिप्स एंड ट्रिक्स हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी से जो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, एंड सामने जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिकॉज लाइक करना बिल्कुल ही फ्री होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारी नंबर 1 ट्रिक की, जो कि है फाइट विद कवर। इफ़ यू आर प्लेइंग सोलो वर्सेस स्क्वाड तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जो ऑलवेज फाइट अगर लेनी है तो आपको कवर के साथ ही लेनी है। अगर आप ऐसे खुले में लोगे तो आपको जो चारों प्लेयर्स एक साथ मार देंगे। आप ग्लू वॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। अगर आप ग्लू वॉल का यूज़ करते हो तो चारों प्लेयर अपने मतलब डैमेज देकर उसको इजीली तोड़ देंगे। तो आपको एक ऐसा परमानेंट कवर चूज़ करना है, जैसे कि ट्री हो गया, वॉल हो गई, उसके कवर लेके आपको जो फाइट लेनी है, तो इससे आप मतलब इजीली जो उनको हैंडल कर पाओगे। तो हमारी बात कर ले नंबर 2 ट्रिक की, वो है हैंडल 1 एनिमी एट ए टाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो। आपको जो एक एनिमी को एक बार में हैंडल करना है, आपको चारों के बीच में नहीं घुस जाना है। अगर आप मतलब बहुत पहले से सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते आ रहे हो तो आप घुस सकते हो, बिकॉज आपको बहुत सारा मतलब एक्सपीरियंस हो गया होगा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल के। बट अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आपको एक एनिमी को एक बार में हैंडल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आप ज़्यादातर आपको एनिमी से लॉन्ग रेंज की फाइट लेनी है। अगर आप मतलब न्यू प्लेयर हो तो आपको लॉन्ग रेंज की फाइट लेनी है, एंड आपको कंटिन्यूस मूवमेंट करना है। तो इससे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि एनिमी आपको किल कर पाए। एंड आई होप आपको ये वाली ट्रिक भी समझ में आई हो। तो अगर समझ में आ गई है तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। बात कर ले हमारी नंबर 3 ट्रिक की, वो है गिव मोर डैमेज टेक लेस। तो अगर आप सोलो बस स्क्वाड खेल रहे हो तो आपको जो सामने एनिमी आए उनको ज़्यादा डैमेज देनी है। अगर आप उन्हें कम डैमेज देते हो तो वो तो आपको बहुत ही ईजिली किल कर देंगे। सपोज सामने एक एनिमी है, उसने आपको 150 या कितना 100 का डैमेज दे दिया, फिर आपने उसे किल कर दिया तो आप हील कर सकते हो। बट अगर दो प्लेयर एक साथ आ जाए, उसने आपको 100 का डैमेज दे दिया, तो जो उसका दूसरा प्लेयर है उसको भी आप 100 की हेल्थ में ही मिलोगे, तो वो आपको इजीली किल कर सकता है। तो आपको जो है मतलब बहुत ही हाई डैमेज वाले वेपन का यूज़ करना है अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अगर एनिमी को डैमेज करेंगे तो आप को लेस डैमेज होगी। एंड आप यहाँ पे हयातू की एबिलिटी का भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसे जब भी डैमेज पड़ेगी तो वो जो आपकी डैमेज को है क्लोज रेंज की उसको इंक्रीज कर देगा। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आई हो। नंबर 4 की बात करें तो है मूवमेंट एंड हीलिंग। तो अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो इसमें बस दो ही चीज़ों की इम्पॉर्टेंट है, एक तो है ग्लू वॉल एंड दूसरा है इनहेलर। बिकॉज अगर आप सोलो बस स्क्वाड खेल रहे हो तो अगर आपकी हेल्थ कम हो जाती है तो आप इनहेलर का यूज़ करके उसे फिल कर सकते हो। प्लस आपके पास अच्छे कैरेक्टर भी होने चाहिए, जैसे कि हयातो नहीं, डीजे आलोक हो गया, वोकोंग हो गया, बिकॉज ये वाले कैरेक्टर से आप बहुत ही जल्दी हीलिंग कर सकते हो। अगर आपके पास डीजे आलोक है तो वो आपको एचपी दे देगा, एंड अगर आपके पास वोकोंग है तो आप उससे मतलब एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हो, एंड आप जो बुश बन के बहुत ही ईजिली हीलिंग कर सकते हो। तो अगर आपको वोकोंग की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे, तो आप उसे जल्दी से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर आप
सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो आपको हीलिंग करनी है मूवमेंट के साथ। चलो जी बात कर ले नंबर 5 ट्रिक की, तो हमारी नंबर 5 ट्रिक है डाउन एंड फिनिश। तो ये वाली जो मिस्टेक है ये बहुत सारे प्लेयर करते हैं, मतलब एक एनिमी को डाउन करते हैं फिर जो दूसरा ऐसा सोचते हैं कि दूसरा उसका फ्रेंड उसको रिवाइव करने आएगा तो हम उसे भी किल कर देंगे। तो होता क्या है कि आप उसे तो किल नहीं कर पाते हो बल्कि वो आपको किल कर देता है। एंड अगर आप एनिमी को डाउन कर दे तो आप उसे तुरंत किल कर दीजिए, बिकॉज अगर आप उसे ऐसे ही मतलब डाउन करके रहने देते हैं तो वो अपने फ्रेंड को कंटिन्यूसली इन्फॉर्म करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको अगर किसी भी एनिमी को आपने डाउन करा है तो आप उसे तुरंत किल कर दीजिए, बिकॉज अगर वो जिंदा रहेगा तो वो आपको भी मतलब खा जाएगा, मतलब वो अपने फ्रेंड को कंटिन्यूसली बताएगा एंड वो आपको ईजिली से आके किल कर देंगे। तो आपको अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि तुरंत ही जो एनिमी को डाउन करके आपको उसको किल कर देना। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।